अनुव्रत के ऊपर बात करें, आज मेरी जो वो है बेसिकली लेक्चर है वो है व्रत के ऊपर, अनुव्रत के ऊपर, स्पेस थेरेपी, जहाँ ये जो कह लो ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग, स्टारवेशन, इन सब में है। तो मेरा आज फोकस ज़्यादा रहेगा कि अनुव्रत के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूं, जो कि जैनिज्म के अंदर बड़ा अच्छा डेवलप किया। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो डेवलपमेंट, उसके बाद जो प्रॉब्लम आई, इवन गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इसको टैकल किया जाए। यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम थी, लोग आपस में लड़े जा रहे थे, देयर वॉज अ लैक ऑफ यू नो मैकेनिज्म हाउ टू कंट्रोल दैट। एट दैट टाइम आचार्य, जैन गुरु आचार्य तुलसी जी ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, एक पूरा उनके जो कलीग थे, उनके जो दूसरे आचार्य थे महाप्रज्ञा जी के साथ, जिसका नाम उन्होंने दिया अनुव्रत, जिसके अंदर ये था कि पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे बातों पे उन लोगों को कन्वे किया जाए एक टाइप का व्रत, कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। व्रत का मतलब जब हम किसी चीज़ को अपने मन से नहीं करते, जहाँ खाते, जहाँ उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, उसको हम व्रत करते हैं। तो अनुव्रत का वही छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने 60,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और ये सारे हिंदुस्तान में कन्वे किया। उसके बाद जो रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी इवन कई बुक्स के अंदर इनको, इनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया। देन